मकान के कब्जे को लेकर बहू बेटा को पीटा। बरेली के थाना किला के हुसैन बाग निवासी चांद मियां पुत्र मिराज अपने मामा शमशाद के मकान में रहते हैं। शमशाद खान का इंतकाल हो गया है। उनके नातिन फरजाना उसकी मां फरा रहती हैं। उसी मकान में रईस बानो पत्नी मिराज अपने मकान लड़का बहू के साथ रहती हैं। रईस बानो पत्नी मिराज मकान पर कब्जा करना चाहती हैं। चांद मियां, हमारी माँ और बहनों ने आसमा बिन नुशरत रईस बानो हमें मारा, हमारी बीबी को मारा और फरजाना नाम की जो एक लड़की है उसको मारा है। और तो विवाद भी है? नहीं, इसका क्या नाम है, विवादित मामला चल लिया घर का, मुकदमा भी दर्ज हो गया, फिर उसके बावजूद भी कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा है। ये क्या नाम, ये कह चाह रही है क्या नाम, घर से ये लोग निकल जाएं और घर से निकलने के बाद में हम पूरा घर के ऊपर कब्जा कर लें। कौन कब्जा करने जा रहा है? इनकी बच्चों की फुप्पो, हमारी माँ। मकान किसका है? हमारे नाना का है। क्या नाम है जिसके मकान में? शमशाद खान। इस समय कौन रह रहा है उनका? और इस टाइम तो ये बच्ची ही रह रही है। क्या नाम है? फरजाना फिजा। कितनी बड़ी है? एक की उम्र है 13 साल और एक की उम्र है 12 साल। नहीं, माँ है लेकिन फिलहाल माँ कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए वो अलग हैं, वो भी ख़त्म हो गए फिलहाल, वो उनका बोलना वो नहीं है, लेकिन फिलहाल बाप ख़त्म हो गए, बाप से अनाथ है बिल्कुल ये बच्चे। मकान पर कौन कब्जा करना चाह रही है? ये हमारी माँ और बाप, और इसी में मामले को लेके आसमा बिन नुशरत रईस बानो ये सब के सब चाह रहे हैं इन लोगों को मार पीट के कैसे ना कैसे निकाल दें इन लोगों को। आसमा बी ने मुझे मारा चांद मियां, और अपने भाई को ही मारा और अपनी भाबच को मारा और फरजाना को मारा। पुलिस में तहरीर दी? पुलिस में तहरीर दी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी।